हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक करेंगे इट इज़ ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज़ हाउ टू फाइंड अमाउंट। बच्चों, दो तीन वे जो हमें इसके कराऊंगा आप लोगों को कि अमाउंट जल्दी से आप लोग कैसे कैसे जो है फाइंड कर सकते हो। अब आप लोगों को यहाँ पे, उससे पहले ये वीडियो देखने से पहले आप देखो कि हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल, अगर वो वीडियो आपको क्लियर होगी तो आप ट्री मेथड के थ्रू भी अमाउंट बता सकते हो। बट यहाँ पे क्या होता है, ट्री मेथड थोड़ा सा लेंथी रहेगा। लेंथी आई मीन टू से कि यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो रेट्स में डिफरेंस के हिसाब से आपके पास जो है क्वेश्चंस होंगे। लाइक एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। वी हैव गिवन, लेट्स से प्रिंसिपल की वैल्यू मेरे पास गिवन है 10,000, रेट मेरे पास गिवन है लेट्स से 10%, और टाइम लेट्स से ले लेते हैं यहाँ पे 2 ईयर्स, और आपने अमाउंट बतानी है। ठीक है जी, तो अमाउंट बताने के लिए बच्चों एक तो चीज़ याद रखना, जो अमाउंट की परसेंटेज होती है, अमाउंट की परसेंटेज इक्वल टू होता है बच्चों 100% प्लस आपका क्या रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट की परसेंटेज। इसको बोलते हैं टोटल अमाउंट की जो है परसेंटेज आपकी। अब फाइंड कैसे किया जाए बेटा, ये फाइंड करने के लिए बहुत आसान सा काम आप लोगों ने करना है, मैंने करना सिखाया भी है आप लोगों को। देखिएगा, 2 साल के लिए है तो आप गैप फिलिंग मेथड यूज कर सकते हो। ये जो फिल करना है आपने, 2 प्रोडक्ट से फिल करना है, ये गैप आपने सम से फिल करना है। 2 प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे 10 10 गिवन है आपको, 10 10 दोनों का प्रोडक्ट बना 20, और सॉरी 100, तो ये 1 यहाँ पे दोनों का सम बना 20, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो परसेंटेज बनी वो बनी है आपकी 21%। अमाउंट की परसेंटेज अगर मैं निकालना चाहूँ तो बच्चों ये रहा 100%, ये रहा 21%, तो टोटल विल बिकम 121%, दैट इज़ योर अमाउंट परसेंटेज। ठीक है जी, और अमाउंट अगर रुपीज़ में आपने यहाँ पे बताना है कि अमाउंट के रुपीज़ क्या होंगे, इट विल बी 10,000 मल्टीप्लाई 121%, तो डबल ज़ीरोज़ कैंसिल आउट, वी हैव लेफ्ट 121 एंड 2 ज़ीरोज़। तो ये रहता बच्चों आपका परसेंटेज मेथड, कि परसेंटेज मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। आप लोग यहाँ पे जो है ट्री मेथड भी यूज़ कर सकते हो। ट्री मेथड हम यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, लेट से अपने पास जो है 10,000 जो है रुपीज़ गिवन थे, और 2 साल के लिए था, इट इज़ ऑन 10%, 10% के साथ हमने डील करना है। ठीक है, 10% ऑफ दिस मच इट विल बिकम 1,000, 10% ऑफ दिस मच बिकम 1,000, एंड ये जो टोटल बनता है ये बनता है आपका 2,000, और इसको बोलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट जब बात होती है बच्चों, नेक्स्ट बात जो होनी स्टार्ट होती है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की होनी स्टार्ट होती है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर का सिंपल और कंपाउंड सब सेम है, उसको एज इट इज़ लिखते हैं। सेकंड ईयर में क्या होता है, जो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आया है उसके ऊपर जो है परसेंटेज लगती है, इसके ऊपर 10% लगेगा। अगर इसके ऊपर आप 10% लगाते हो तो वो बन जाएगा 100, तो ये बनेगा 1,100 रुपीज़, राइट। तो टोटल बना 2,100 रुपये, और बच्चों इसको नाम देंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, अब वी नो दैट अमाउंट ऑलवेज इक्वल टू क्या रहती है आपका, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। तो भाई ये रहेगा प्रिंसिपल आपके पास यहाँ पे 10,000 है, प्लस 2,100 आप लोग उसमें ऐड कर लोगे तो इट विल बिकम 121,000 रुपीज़, आपका आंसर बन जाएगा जो अपने परसेंटेज मेथड से निकाला है। होपफुली आपको ट्री मेथड भी समझ आ गया होगा और परसेंटेज मेथड भी समझ आ गया होगा कि अमाउंट किस वे से वहाँ पे फाइंड की जाती है, वो आपके ऊपर बात डिपेंड करती है। ठीक है जी, वेरी सिंपल। अब एक क्वेश्चन के थ्रू बच्चों इसको समझने की ट्राई करते हैं कि जब भी आपको क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग ही हों। अब यार यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे कहता है कि 1% फर्स्ट ईयर के लिए बनता है, 2% जो है सेकेंड ईयर के लिए बनता है, 3% जो है थर्ड ईयर के लिए बनता है। अब ये जो ट्री मेथड है यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत आई मीन टू से आप लोगों को करनी पड़ती है। अब उस एक्स्ट्रा मेहनत से बचा कैसे जाए, उस एक्स्ट्रा मेहनत से बचा कैसे जाए, यहाँ पे टोटल इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं, यानी जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की परसेंटेज। भाई 3 साल हैं तो 3 वाली जो इफेक्ट आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, इस इफेक्ट को सोल्व करना हमें बहुत अच्छे से आता है, हमें पता है कि इन दोनों का जो इफेक्ट है वो 3 प्रोडक्ट से आएगा, इन दोनों का जो इफेक्ट है वो 2 प्रोडक्ट से फिल करना है, और ये वाला जो फिल होगा बच्चों ये सम से फिल होगा। परसेंटेज अपने पास गिवन है 1%, 2% एंड 3%। पहले तीनों का प्रोडक्ट इट विल बिकम 6, तो इसको लिख लेते हैं 06। दोनों गैप 3 प्रोडक्ट से फिल कर लिए,
दो का प्रोडक्ट बच्चों, तो दो का प्रोडक्ट हम ऐसे कुछ करते हैं, ये टू इन दो का प्रोडक्ट भाई आपका बना सिक्स, इन टू का प्रोडक्ट आपका बनेगा थ्री, तो इट विल बी इलेवन। तो इलेवन को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, टोटल सम विल बिकम 3 2 5 और 1 6, टोटल सम जो है 6 बना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो परसेंटेज बच्चों रहेगी 6.1106%। ठीक है बच्चों, तो ये क्या रहेगी कंपाउंड इंटरेस्ट की आपकी यहाँ पे वैल्यू आएगी इन परसेंटेज। अगर रुपीज में बताना है कि पहले अमाउंट की परसेंटेज निकाल लेते हैं, बिकॉज वी हैव टू फाइंड अमाउंट। अमाउंट अपने पास रहता है बच्चों 100% प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट की परसेंटेज, तो यू कैन से इट विल बी 100 प्लस 6.1106 और इट विल बी 106.1106%, यहाँ पे ऐसा कुछ वैल्यू रहेगी। चलो जी ठीक है, इट्स ओके, लेट्स फाइंड द वैल्यू इन रुपीज़, देन इट विल बी इक्वल टू 50,000 जो है हमें गिवन है बच्चों वैल्यू, दिस इज 50,000 मल्टीप्लाई 106.1106 और डिवाइड में 100 फॉर द परसेंटेज। अब बच्चों पॉइंट हटा लेते हैं, पॉइंट हटाने के लिए हमें पता है कि हमने क्या करना है, पॉइंट हटाने के लिए ये वाला पॉइंट हटाने के लिए मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 फोर जीरोज जो है नीचे लगानी पड़ेगी। ठीक है जी, दिस इज 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरोज जो हैं आपकी यहाँ पे इजीली जो हैं कैंसिल आउट होंगी। 5 से मैं इसको 2 पे कट आउट कर देता हूँ, ऐसे कुछ राइट, 20 पे, 5 से मैं इसको कट सॉरी 2 से इसको कट कर देते हैं 10 पे, और ऊपर भी हम 2 से जो है कट आउट कर लेते हैं। अगर मैं 2 से ऊपर कट आउट करता हूँ, 2 से जाएगा 5 पे, 2 से जाएगा 3 पे, राइट, उतारा 1 नहीं चलता, यू हैव टू यूज 0, फिर उतारा ये 5 और ये रहेगा आपका 1 एंड 0, दिस इज 5 अगेन और ये रहेगा 3, राइट। तो बच्चों 10 अगर नीचे है, अगर 10 से उसको डिवाइड करोगे यू विल गेट 53,055.3, यही चीज़ रहेगी बच्चों आपके पास। ठीक है, 53,053 पॉइंट, ये आया आपका टोटल, यहाँ पे अमाउंट आ गई है, और टोटल अमाउंट ये कहाँ पे गिवन है ऑप्शन में आपको, दिस इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, तो सेकेंड ऑप्शन में आपको गिवन। तो देखा काफ़ी इजीली जो है आप लोग यहाँ पे आंसर बता सकते हो, बट थोड़ा सा क्वाइटली आप लोगों ने देखना है कि करना क्या, बेसिकली इट इज डिपेंड कि करना क्या चाहते हो, वैल्यूज किस टाइप की गिवन है। अगर आपको नॉर्मल वैल्यू गिवन देन गो फॉर ट्री मेथड, इफ यू आर हैव लाइक दिस 1 2 3 इस टाइप की जो परसेंटेज निकालनी थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, तो उनके लिए आप नॉर्मल मेथड यूज करो। लाइक वी हैव गिवन 3% 4% एंड 5% देयर, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ, मेरे पास फिर से मैंने गैप फिलिंग मेथड जो है यहाँ पे यूज करना है और उसको जो है निकालने की यहाँ पे ट्राई करते हैं। इनको फिल करेंगे टू प्रोडक्ट से, सॉरी 3 प्रोडक्ट से, इनको फिल करेंगे 2 प्रोडक्ट से, एंड दैट वन फिलिंग गैप विल बी फिल्ड विद द समेशन, और यू कैन से इट इज़ ऑन सम। तो ठीक है, फिल करने की ट्राई करते हैं बच्चों। अब अपने पास परसेंटेज क्या क्या गिवन है, एक 3% की वैल्यू है, एक 4% की वैल्यू है और एक 5% की वैल्यू है। तो भाई 5 20 60, तो ये बना 60, ये बना भाई 12, ये बना 15 सॉरी 20 और ये बना 15, तो टोटल बना ये आई थिंक 20 32 और 15 47, ये बना 47, टोटल सम इज 12। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो परसेंटेज बनी बच्चों इट विल बी 12.4760%, ऐसा कुछ बना बच्चों। ठीक है जी, अगर यहीं पे मैं अमाउंट की भी परसेंटेज निकाल लेता हूँ, अमाउंट परसेंटेज विल बी 100 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज रहती है हमें पता है जी, तो इट विल बी 100 प्लस 12.4760 और यू कैन से इट विल बी 112.4760% आपकी क्या रहेगी अमाउंट। और अमाउंट की अगर मैं रुपीस में वैल्यू बताऊं तो इट विल बी इक्वल टू 25,000, दैट इज योर प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई विद 112.4760 एंड डिवाइड बाय 100 फॉर द परसेंटेज। अब कटआउट करने की ट्राई करते हैं बच्चों, अगर आप इसको कटआउट करते हो देखो 1 2 3 4, फोर जीरोज में नीचे डिवाइड कर लेता हूँ, इससे क्या होगा ये आपके पॉइंट्स हट पाएंगे। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरोज जो है आपकी कैंसिल आउट हुई। 25 से मैं इसको 4 पे जो है कैंसिल आउट कर देता हूँ, 4 से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, इट विल बी कैंसिल आउट ऑन 2 8,
दिस इज़ वन अगेन वन और दिस इज़ नाइन, देन यू विल गेट अमाउंट दैट इज़ 2819 रुपीज़। ठीक है जी, काफ़ी इजी है बच्चों, सिर्फ ये एक कंस्ट्रक्शन है जो आपको याद रखनी है। डेफिनेटली आप कैप फिलिंग मेथड से इसका डायरेक्टली आंसर यहाँ पे बता सकते हो, सिंपलेस्ट वे है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिएगा, अब यहाँ पे जो आपके ईयर्स हैं वो 2.5 हैं, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आपके पास आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस टाइप की वैल्यू देखो, ये परसेंटेज भी सिंगल है और इजी भी है, तो बेटर वे यहाँ पे ये रहता है बच्चों, यू शुड गो विद द ट्री मेथड देयर। अब ट्री मेथड कैसे यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, 800 आपको गिवन है, उसके पार्ट्स जो हैं यहाँ पे 3 हैं। अब मैंने आपको बताया है ट्री मेथड के अंदर अगर 2 ईयर्स 1 डे भी अगर है, देन यू हैव टू गो फॉर 3, राइट। अगर 2 सालों के 1 दिन भी एक्स्ट्रा हुआ तो 3 की ग्रेड बनेगी आपकी, उसके हिसाब से आप डिवाइड कर पाओगे। वो आप उसके लिए हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल वाला मेथड आप लोग देख सकते हो, वहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने उसको बताया है। तो ये रहेगा बच्चों, यहाँ पे 5% आपके पास है। अब 5% का मीनिंग समझने की ट्राई करते हैं पहले कि मीनिंग क्या होता है। 5% इज इक्वल टू 5/100, और यू कैन से 1/20। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, इस 5% को डायरेक्टली 120 कर लेता हूँ। दिस इज 1/20 और दिस इज ऑल्सो 1/20। ठीक है, 1/20 ऑफ दिस थिंग विल बिकम 40, दैट मीन्स ये भी 40 रहेगा। ठीक है, अब बच्चों देखो, ये तो 1 ईयर कम्प्लीट है, ये भी बच्चों 1 ईयर कम्प्लीट है, बट इसका क्या है? या तो आप लोग इसको ऐसे ही सोल्व कर लो और बाद में हम हाफ कर लेंगे, तब भी आंसर सेम रहेगा। तो फिर भी चलो मैं एक बार ऐसे ही सोल्व कर देता हूँ इसको, दिस इज द थिंग। नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट ईयर का सिंपल कंपाउंड सब सेम रहता है हमें पता जी। सेकेंड ईयर की बात करते हैं, सेकेंड ईयर जब 40 पे 1/20 इंटरेस्ट लगेगा तो वो 2 रुपीज़ का इंटरेस्ट होगा, वो 2 रुपीज़ में यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 42। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड ईयर की, अगर थर्ड ईयर की बच्चों बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, 40 के ऊपर 1/20 लगेगा, ये 2 होगा, और 42 के ऊपर 1/20 अगेन लगेगा। अब इसके लिए मैं दोबारा से आपको अलग से करके दिखा देता हूँ, 1/20 आप लोगों ने निकालना है, तो इट विल बी 21/10 और आप कह सकते हो 2.1। ठीक है जी, ये यहाँ पे आपकी बात बनती है। अब बच्चों यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन, आगे सोल्व करने से पहले एक छोटी सी चीज़ हम लोगों को यहाँ पे नोटिस करनी है, और वो नोटिस करने की चीज़ क्या है आपके लिए, वो ये है बच्चों कि यहाँ पे जो टाइम था वो 1.5 ईयर है। आपने ये सिंप्लीफाइड फॉर्म जो की है वो 1 ईयर के लिए की है, तो 1.5 ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या रहेगा, थर्ड थर्ड वन के लिए, तो उसके लिए इसका हाफ कर देते हैं जस्ट। तो ये रहेगा 20, ये रहेगा 1 और ये रहेगा 1.05। तो इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट बनेगा बच्चों एक्स्ट्रा आपका, इट विल बी 22.05 रुपीज़ जो आपका इंटरेस्ट बनेगा फॉर 1.5 ईयर के लिए, जो थर्ड वन 1.5 होना, ठीक है, 2.5 साल जिसको हम बोलेंगे। तो जो भाई टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो ये बन जाएगा बच्चों आपका, दिस इज 80 और 104.05 रुपीज़, दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ अब यहाँ से अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 40, 80, 100 रुपीज़ आपका क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। आपने इसको काउंट अब नहीं करना, याद रखना, बिकॉज यू हैव टू गो फॉर 2.5 ईयर। चलो जी अमाउंट निकाल लेते हैं, अमाउंट विल बी इक्वल टू 800 प्लस 104.05 रुपीज़, दैट इज़ वट आई हैव डन देयर। आई हैव जस्ट डन प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज़, ओके, देन इट विल बिकम 904.05 रुपीज़, दैट इज़ योर अमाउंट, और ऑप्शन नंबर थर्ड जो आपका आंसर बन जाएगा। तो होपफुली बच्चों यहाँ से आप लोगों का एक डाउट क्लियर हुआ होगा, वेर यू हैव टू गो विद द परसेंटेज मेथड एंड वेर इट इज बेटर टू गो विद द ट्री मेथड। तो दोनों में डिफ्रेंशिएट आपका हो गया होगा कि ट्री मेथड कहाँ पे बेटर रहता है और परसेंटेज मेथड कहाँ पे रहता है, जहाँ पे आपकी परसेंटेज जो है इस वे से कुछ यूज होती हैं, अलग अलग वे से परसेंटेज गिवन होती हैं, देन यू शुड ऑलवेज गो विद द परसेंटेज मेथड, दैट विल बी फार फार मोर बेटर एज कम्पेयर टू योर ट्रेडिशनल मेथड और यू हैव टू गो और एज कम्पेयर टू योर ट्री मेथड। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ट्री मेथड आपको ऑलवेज कहाँ पे यूज होगा, जो नॉर्मल सी वैल्यूज गिवन है वो काफ़ी इजिली जो है क्वेश्चन निकल पाते हैं। तो ठीक है बच्चों, होपफुली आप लोगों का कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच।